बीजेपी ने कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा उन जिलों में से है जहां बीजेपी एक भी सीट विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाई। पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अब सीएम मोहन यादव यहां पहुंचे और कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाना शुरू कर चुके हैं। मोहन यादव पहली बार पांडुर्ना पहुंचे। नए जिले में सीएम यादव ने जनसंवाद कार्यक्रम किया। छिंदवाड़ा के कलेक्टर और पटवारी के लिए इस समय उन्होंने सख्त तेवर भी दिखाए। दरअसल सीएम ने पाठई ग्राम में जनता से सीधा संवाद किया और अपनी सरकार के नामांतरण संबंधी आदेश को लेकर दो टुक शब्दों में लापरवाही बरतने वाले पटवारियों को चेतावनी भी दे डाली। एक तरफ तो छिंदवाड़ा जिले में मोहन यादव शिवराज की तर्ज पर नरम नरम नजर आए और जनता से जुड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के साथ भाई बहन का नाता है, इस नाते आप सभी के बीच लगातार आता रहूंगा, आप सभी से बात कर आपकी समस्याओं का निराकरण करूंगा। जो छोटे नवीन और पिछड़े जिले हैं उनकी क्षेत्रानुसार स्थानीय कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को मौके पर जाकर समझना और समाधान करना जरूरी है। आपको बता दें इस दौरान मोहन यादव ने मालवी भाषा का प्रयोग किया और लोगों से जुड़ते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन को सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि रजिस्ट्री के बाद सीधा नामांतरण हो जाएगा, अगर किसी पटवारी ने इसमें थोड़ी भी लापरवाही बरती तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कलेक्टर को भी कहा, कलेक्टर साहब आप भी ध्यान रखिएगा, अगर किसी पटवारी ने गलती की तो आप पर भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना और उनके निराकरण की इस दौरान बात भी कही। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव पहली बार पांडुर्ना पहुंचे थे। मोहन यादव ने कहा कि आपके बीच में आता रहूंगा, जनसंवाद करूंगा, आपकी समस्या को सुनूंगा और भोपाल में बैठकर उनका निराकरण होगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी की तरह हर क्षेत्र में लगातार काम करेंगे, आपके साथ भाई बहन का जो रिश्ता है उसे निभाऊंगा। यानी कि शिवराज का रिश्ता उन्होंने भी अपने जनता के साथ बना लिया। उन्होंने कहा यहाँ मैं आता जाता रहूंगा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पांडुर्ना नया जिला बना है, इसको विकासशील बनाना है। मोहन यादव का ये अवतार देखकर क्या आपको शिवराज सिंह चौहान की याद नहीं आई? याद दिला दें, जब पहली बार शिवराज सिंह चौहान सीएम बने तो उन्होंने छिंदवाड़ा के सारना में जन दर्शन कार्यक्रम किया था। शिवराज ने यहाँ मंच से ही एक एक्शन ले लिया था। ठीक उसी तर्ज पर पांडुर्ना के पाठे में नवागत सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी यही रूप देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने मंच से ही योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वालों को चेतावनी दे डाली। पहली बार उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक महकमा भी काफी अलर्ट नजर आया। इसके बाद मुख्यमंत्री पांडुर्ना के राजना पहुंचे जहां उन्होंने आनंद ही आनंद फाउंडेशन के विवेक जी से मुलाकात की। इस दौरान आनंद ही आनंद के जो विवेक जी हैं उन्होंने सीएम का स्वागत किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने से पहले विवेक जी के आश्रम में डॉक्टर मोहन यादव आते जाते रहते थे। पहले हमने कई निर्देश दिए, अभी आपके बीच में दो चार काम की चीज बताता हूँ। अब अपने बीच में अगर आपने अपनी खेती की रजिस्ट्रिया कराई तो पटवारी के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन ने दस्तावेज का पंजीयन कराया, पटवारी को अपने आप नामांतरण करना पड़ेगा, यह उसकी अपनी जरूरत है। और कोई इस मामले में गलती करेगा, पटवारी लापरवाही करेगा, तो कलेक्टर साहब आप ध्यान रखना, आप पे भी कार्रवाई करूंगा और जो संबंधित है उस पे भी कार्रवाई करूंगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं। सरकारी अधिकारियों का काम है वो कितने बड़े अधिकारी हो लेकिन मुस्तैदी से काम करे, लापरवाही नहीं करे। जो जो सरकार ने निर्देश दिए हैं प्रत्येक निर्देश का सख्ती के साथ पालन कराना यह हम सब का दायित्व बनता है। और सरकार के मुखिया होने के नाते से ये हमारी भी जवाबदारी है कि हमने जो निर्देश दिए उसका मैदानी रूप से पालन हो रहा कि नहीं हो रहा, उसका पालन भी करते देखना। और पालन करने में संवेदनशीलता के साथ, जनता के साथ तो संवेदनशीलता है लेकिन अधिकारी कर्मचारियों के छूट नहीं है, उनकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस मामले में कड़ाई जो करना है वो सब करेंगे लेकिन जनता के हित में जो हो सकता है वो भी लगातार करते रहेंगे।
आमसभा चुनावों के पहले सीएम का छिंदवाड़ा में ये नया रूप देखने को मिला है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, ऐसे में बीजेपी अब इस क्षेत्र में सेंध लगाने की फिराक है। याद दिला दें, शिवराज सिंह चौहान भी तुरंत चुनाव जीतते ही छिंदवाड़ा पहुंचे थे और यहीं से उन्होंने कहा था कि वो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 मोतियों की माला पहनाएंगे और कमलनाथ का गढ़ ही वो जगह है जहां की एक सीट मध्य प्रदेश की जो है वो कांग्रेस के खाते में गई थी। तो क्या लगता है आपको, नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये रवैया, क्या वाकई में शिवराज की प्रतिज्ञा 29 मोतियों की माला दिलाने में कारगर साबित होगा? इस मामले में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।